क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे, यदि ये भी हम सोचते रहे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हाय, गिरिराज देसाई, योर मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज की इस वीडियो में मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि आप जब भी किसी काम को कर रहे हैं, आपका बहुत मन करता है उस काम को करने के लिए, आपकी बहुत रुचि होती है, आपको काम करना बहुत पसंद है, लेकिन आप क्यों रुक जाते हैं पता आपको? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त, ये सब हम सोचेंगे तो रिश्तेदार लोग वो क्या सोचेंगे? ये सोचना उन पे छोड़ दो, उनको सोचने दो, उनको सोचने दो, उनको कहने दो। आपको जो काम पसंद है ना, जिसमें आपको बहुत मजा आता है करने में, वो आप करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सोचना और कहना बंद कर देंगे और आपके तारीफों के पुल भांगना स्टार्ट कर देंगे। कल की मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, कल के एक पेपर में एक न्यूज थी और उस न्यूज ने मेरा दिल दहला दिया। उसमें माता पिता, माता डॉक्टर थी, पिता आईआईएम से आईआईटी किया, आईआईएम से पास आउट था और उनके एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था। उनके एक बहुत प्यारा सा बेटा था और उस बेटे को पता आपको क्या पसंद था? ये बहुत इमोशन वाला वीडियो है। उस बेटे को पसंद था कि मैं एक संगीतकार बनूं, मैं एक गिटार बजाऊं, लेकिन नहीं, ये उन लोगों को मंजूर नहीं था। बिहाइंड दैट कि आई एम डॉक्टर, आई एम से पास आउट, तो कैसे आप एक संगीतकार बन सकते हैं? उनको फोर्स किया गया कि आप डॉक्टर बनो। बेटा हमेशा कहता था कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन फादर साहब का कहना था कि आपको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। मैंने आपको एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैंने आपको अच्छी अच्छी ड्रेस दिलवाई, मैंने आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, आपको तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। मुझे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब उसके ताने सुन सुन के वो बच्चा माइंड से, दिमाग से बहुत परेशान हो गया। उसको एंजाइटी होने लगी, वो बीमार रहने लगा। एक दिन वो भगवान का प्यारा हो गया। जब ऐसा होने के बाद माता और पिता दोनों में एक वार्तालाप होता है, उसके रूम में जब जाते हैं, माँ अपने बाप को कोसती है कि तुम मेरे बेटे के सामान, मेरे बेटे के जो एसेट्स हैं उनको छोड़ोगे नहीं। वो कहता है कि तुम कहते थे डॉक्टर बनो, वो कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम कहते थे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। क्या लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको अपनी एक मंजिल जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, जिस काम में आपको मजा आता है करने में,
वही चूज करो। भूल जाओ ये दुनिया का प्रेशर, भूल जाओ ये समाज की कहानियां, आप अच्छे से रहो, मैनर में रहो, लेकिन आपको करना वही है जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अहमियत, जिसमें आप बहुत ही बड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं कि हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उससे पर्दा हटा के कौन क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उससे पर्दा हटा के अपने काम में, अपने जुनून से लग जाओ। एक दिन वही लोग क्या कहेंगे, क्या सोचने वाले लोग अपना मुंह बंद करके बैठ जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत, बहुत